The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Let's talk about melatonin. And this is your channel, Namaskar, Dr. Education. I'm Dr. Paramjeet और Dr. Education इस channel पे सारी जानकारी verified मिलेगी आपको और trusted information, not any single doctor's opinion. We are making videos on the basis of standard medical knowledge. So let's talk about melatonin. Melatonin जो है वो क्या है और उसका supplement का क्या role है? So let's talk about it. So melatonin एक naturally occurring hormone है जो आपकी बॉडी बनाती है, जो प्रमोट करता है अच्छी नींद. जो आपको नींद आती है वो इसी वजह से आती है जब आपका बॉडी मेलाटोनिन बनाता है. नॉर्मली इट प्रमोट्स स्लीप और दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स कामिंग इफेक्ट एंड सिडेटिंग इफेक्ट. तो उसके वजह से नींद आती है मेलाटोनिन के वजह से. तो मेलाटोनिन ब्रेन से सेरोटोनिन के जैसा एक हार्मोन है. सेरोटोनिन मेलाटोनिन सुना होगा आपने इनके बारे में, राइट? सो मेलाटोनिन एक दवा भी आती है. मेलाटोनिन लोग ले भी सकते हैं सप्लीमेंट के हिसाब से. तो कई बार ये सवाल पैदा होते हैं कि दूसरी जो नींद की गोलियां हैं वो एडिक्टिव होती हैं, उनकी आदत पड़ जाती है. तो क्या मेलाटोनिन की भी आदत पड़ जाती है? क्या मेलाटोनिन भी एडिक्टिव है या नहीं? ठीक है, और मेलाटोनिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसे लोगों को पड़ती है जिनकी स्लीप साइकिल ख़राब हो, कभी नाइट कभी डे करने के चक्कर में उनकी नींद ख़राब हो जाती है, नींद नहीं आती है, कभी लेट सोते हैं कभी नहीं सोते हैं. तो ऐसे केस में मेलाटोनिन प्लस लाइट के वजह से सबसे बड़ा इशू आता है. नॉर्मली पुराने जमाने में शाम होते ही रात होते ही अंधेरा हो जाता था, कोई और काम नहीं होता, सोना ही पड़ता था. अब क्या होता है, घर में इतनी लाइटें होती हैं कि आपको आपके ब्रेन को नहीं पता चलता कि अब अंधेरा हो गया है, मेलाटोनिन बनाना है. कब बनाना है भाई, लाइट हो, सूरज डूब क्यों नहीं रहा? तो ये इशू हो जाता है उनके साथ कि लाइट क्यों आती जा रही है. और मेलाटोनिन बेसिकली ना अंधेरे में बनता है, अंधेरे में सबसे ज़्यादा बनता है और अंधेरे से आप एक्सपोज ही नहीं होते. रात रात भर भी आप मोबाइल लगा के एकदम पास से ब्राइट देखते रहते हो. सो दैट्स द प्रॉब्लम. इस वजह से कई लोगों को नींद में प्रॉब्लम भी आती है मेलाटोनिन के नॉर्मल साइक्लिकल प्रोडक्शन के डिसरप्शन के वजह से, और इसी वजह से मेलाटोनिन सप्लीमेंट के वजह से उन्हें फ़ायदा भी मिलता है. सो अगर आप मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेते हैं तो ये ध्यान में रखें कि उसके वजह से नॉर्मल नींद की गोली के जैसा एडिक्शंस नहीं देखे गए. देयर इज़ नो सच एडिक्शन सीन. इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकते हैं, एब्सोल्युटली सेफ है, दुनिया भर के सबको देते रहो, ऐसा नहीं है. इट इज ऑलवेज गुड टू बी अवेयर अबाउट इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. सो कितना मेलाटोनिन ले सकते हैं पहले ये देख लेते हैं. हाउ मच मेलाटोनिन शुड अ पर्सन टेक? नॉर्मली स्टार्टिंग डोज जो है वो 0.2 से लेके 5 मिलीग्राम तक भी कर सकते हैं. और कुछ लोग जो जिनको हाई डोज नींद की गोलियों की जरूरत पड़ती है उनको हो सकता है जो स्टैंडर्ड डोज तक जाना पड़े, यानी 10 मिलीग्राम ऑफ मेलाटोनिन आपको लेना पड़े 0.3 से 10 मिलीग्राम तक एडल्ट्स में. ओल्डर एज में, ओल्ड एज में उसका आधा डोज ही लेना चाहिए 5 मिलीग्राम्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलीग्राम भी जा सकते हैं. कुछ केसेस में, रेयर केसेस में 20 मिलीग्राम भी लेते हुए देखा गया है. सो मेलाटोनिन के किस किस कंडीशंस में दे सकते हैं आप? सो मैंने इन कंडीशंस पे वीडियो बनाए हुए हैं. स्लीप वेक डिसऑर्डर्स जिनमें आप 5 मिलीग्राम तक मेलाटोनिन ले सकते हैं, छोटे बच्चों में भी आप दे सकते हैं मेलाटोनिन, और छोटे बच्चों में भी 0.5 से 12 मिलीग्राम तक मेलाटोनिन दिया जा सकता है फॉर अप टू 12 वीक्स, 3 महीने तक. और अगर आपको नींद जल्दी नहीं आती है, डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम है, तब भी आप 5 मिलीग्राम तक मेलाटोनिन ले सकते हैं और छोटे बच्चों में 6 मिलीग्राम तक दे सकते हैं बिफोर बेड टाइम. अगर आपको इंसोमनिया है, नींद ही नहीं आती है, तो 2 से 3 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं. इसको आप ले सकते हैं लंबे समय तक, 29 वीक्स यानी 8-9 महीने तक ले सकते हैं, 8 महीने तक, अच्छा खासा. और 5 मिलीग्राम तक आप बच्चे को दे सकते हैं इसको 4 वीक्स तक भी, 5 मिलीग्राम या फिर जो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब का डोज है 0.05 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 0.05 टू 0.15 या 0.01 भी आप एवरेज मान सकते हैं पर केजी बॉडी वेट 4 हफ्ते यानी 1 महीने तक. हाई ब्लड प्रेशर अगर रहता है जिसके वजह से बीटा ब्लॉकर लेते हैं, बीटा ब्लॉकर इंड्यूस्ड इंसोम्निया है, उसके वजह से नींद नहीं आती है, तो ऐसे केस में 2.5 मिलीग्राम का मेलाटोनिन काफ़ी इफेक्टिव है.
जेट लैग है तो 8 मिलीग्राम तक मेलाटोनिन ले सकते हैं आप ऑन द डे ऑफ अराइवल एंड कंटिन्यू अप टू 5 डेज, 5 दिन तक मेलाटोनिन बोलते हैं लेने के लिए। कोविड प्रोफिलैक्सिस या कोविड माइल्ड सिंड्रोम वाले केसेस को भी दिया जा सकता है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन के वाइड यूज है, अल्टीमेटली सभी केस में अच्छी नींद और अच्छी नींद के वजह से अच्छी रिकवरी, अच्छा स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर्स देता है। तो अल्टीमेट सवाल है, क्या मेलाटोनिन सेफ है, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है? है भैया, साइड इफेक्ट्स हैं। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? इरिटेबिलिटी हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर, कम हो सकता है ब्लड प्रेशर थोड़ा, स्टमक क्रैम्स, टेम्पररी फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, ये भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी श्योर आप किस पेशेंट को दे रहे हैं। नौशिया, डिजीनेस, हेडेक, माइल्ड ट्रिमर्स भी हो सकते हैं। तो मेलाटोनिन इज नॉट विद जीरो साइड इफेक्ट्स, और ये सबको नहीं होगा, कुछ ही पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स, वो भी किसी को कुछ साइड इफेक्ट फेस हो सकते हैं। तो हेडेक, स्टमक अपसेट, डायरिया, जॉइंट पेन, एंजाइटी जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब इस स्लीप एडिक्शन, एक चीज होती है कि नींद का एडिक्शन, बहुत ज्यादा नींद सोते रहना, तो ऐसा कोई स्लीप एडिक्शन रियल है कि नहीं, ये देखना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा तो नहीं कि आप पूरा दिन सोते रहोगे। तो स्लीप एडिक्शन जो होती है, नॉर्मल आदमी को 7 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है, और कोई भी एकेडमिक पेपर ऐसा नहीं है जो स्लीप एडिक्शन को रिकग्नाइज करे। तो स्लीप एडिक्शन इज नॉट अ रियल थिंग। बॉटम लाइन, आपके केस में मेलाटोनिन एडिक्टिव नहीं है। मेलाटोनिन इज अ वेरी सेफ मेडिसिन विच यू कैन यूज, और रिसर्च की जरूरत है ये देखने के लिए कि क्या इसके ऊपर कोई फ्यूचरिस्टिक और सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। फॉर नाउ यू कैन टेक इट वेरी इजी। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज मेक श्योर टू वॉच ऑल द स्लीप रिलेटेड वीडियोज ऑन माई चैनल। मैं लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।